दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म बच्चन पांडे की। रावण, उसका दिल और उसकी नाक दोनों पत्थर के, जिसका टीजर भी रिलीज हो चुका है और फिल्म भी रिलीज हो चुकी है। बच्चन पांडे का टीजर दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है, साथ ही साथ उनके फैंस उनके एक सीन पर सवाल भी उठा रहे हैं। दोस्तों, जिसमें अक्षय कुमार कुछ ज्यादा ही स्मोकिंग करते नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि बच्चन पांडे में अक्षय कुमार हीरो कम मगर विलेन ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि अक्षय कुमार का बच्चन पांडे में जो लुक है वो कुछ अलग ही है, जो हीरो नहीं विलेन लग रहे हैं। साथ ही दर्शकों का कहना है कि अक्षय कुमार नो स्मोकिंग का एड तो करते हैं, फिर भी अक्षय कुमार ने इस फिल्म में कुछ ज्यादा ही स्मोकिंग सीन किए हैं। लेकिन दोस्तों, इस फिल्म में अक्षय कुमार का जो लुक है वो बाकी कुछ अलग और कातलाना है ना दोस्तों, लग रहा है आपको? भाई, मुझे तो अक्षय का ये लुक काफी पसंद आ रहा है। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं किरदारों की। तो कीर्ति सेनन और अरशद बारशी ने इस फिल्म में फिल्म मेकर का रोल निभाया है, जो बच्चन पांडे पर फिल्म बनाना चाहते हैं। लेकिन इन दोनों की जिंदगी बच्चन पांडे के पास आकर खतरे में पड़ जाती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अरशद बारशी काफी अच्छे कॉमेडियन है, और जब इनको इस फिल्म में लिया गया है तो जाहिर है कि इस फिल्म में काफी अच्छी कॉमेडी भी होगी। तो मुझे लगता है कि इस फिल्म में काफी मजा आने वाला है। अब आगे बात करते हैं, इस फिल्म में जैकलिन फर्नांडिस ने बच्चन पांडे की गर्लफ्रेंड का रोल निभाया है, लेकिन ट्रेलर में दिखाया गया है कि बच्चन पांडे अपनी गर्लफ्रेंड को भी मार देता है। तो इस फिल्म में सैड स्टोरी भी काफी अच्छी खासी होगी। फिल्म की स्टोरी के हिसाब से दर्शकों का कहना है कि इस फिल्म में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो भाई, मैं तो इस फिल्म को जरूर देखूंगा, और अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।